हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया और एक वेटिंग लिस्ट से भी कैंडिडेट को जो है वो आगे से सिलेक्ट किया है, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन, तो सभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जूनियर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर का, जिसका पोस्ट कोड 789 था, तो इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो जनरल रिजर्व की एक ही पोस्ट थी यहाँ पे। तो इसमें बात करते हैं कि रोहित, जिसके कि 68.92 मार्क्स हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लिया गया है। तो इसमें कुछ और बात करते हैं कि आयोग के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो 676 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, जिसमें से कि 483 कैंडिडेट्स को जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो 16 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, तो 172 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, 311 कैंडिडेट्स अब्सेंट रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद रिटर्न रिजल्ट के बाद जो सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को जो है वो आगे बुलाया था इवेल्यूशन के लिए। तो 25/6/2021 को इन कैंडिडेट्स का इवेल्यूशन हुआ था, 25 जून को। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया, तो ये कैंडिडेट को जो है वो फाइनल सिलेक्शन दे दी गई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो जनरल रिजर्व के लिए एक कैंडिडेट को, जो कि फील्ड असिस्टेंट पोस्ट कोड जिसका 766 है, तो यहाँ से एक कैंडिडेट्स को जो है ईश्वर शर्मा को आगे सेलेक्ट कर लिया गया। तो इसकी जो मार्क्स है, इसकी जो कैटेगरी है वो जनरल रिजर्व भी है, तो 61.67 इसके मार्क्स है, तो आगे इस कैंडिडेट को है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये भी एक तरह से फाइनल रिजल्ट ही है। नेक्स्ट जो है वो इवेल्यूशन शेड्यूल है 15 मार्क्स के लिए, जो रहेगा पोस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, जिसका पोस्ट कोड जो है वो 905 है। तो यहाँ पे जो है इन कैंडिडेट्स का जो इवेल्यूशन होगा, वो डेट ऑफ इवेल्यूशन बताया, तो 17 अगस्त को इनके जो टोटल कैंडिडेट्स है 30, तो इनका जो है वो इवेल्यूशन होगा। तो ये PDF है, तो आप अपना नाम भी देख सकते हो कि मतलब है तो आपका एक ही दिन है वो इवेल्यूशन। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो पोस्ट कोड जो है पोस्ट कोड 897 के रिगार्डिंग है, जो कि रहेगा पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है हिमाचली बोनाफाइड, या फिर आपने 10 और प्लस 2 हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से करी है, तो 3 दिन के अंदर आपको इस एड्रेस पर भेजने होंगे, मेल करने होंगे। ये जो है ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट है संजना सिंह, फादर नेम दिनेश कुमार है। तो खाली इसी कैंडिडेट्स को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, अदरवाइज़ इस कैंडिडेट का जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो सेम पोस्ट कोड के लिए रहेगी, पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के लिए, पोस्ट कोड 897 के लिए। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इन्होंने जो अपना फॉर्म को पूरा नहीं भराया या फिर फीस सबमिट नहीं करवाई है, तो यहाँ पे जो टोटल 1325 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी देनी थी। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या फिर आयोग की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि HRTC पोस्ट कोड 762 के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, और फिर जो कि JIT पोस्ट कोड 817 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से है। तो बाकी नोटिफिकेशन के लिए भी अलग से ग्रुप है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद।